दोस्तों मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 रुपए की कलेक्शन हुई, तो इस 1 रुपए में से 15 पैसे सरकार ने कमाए हैं जीएसटी कलेक्शन से, 14 पैसे आते हैं इनकम टैक्स कलेक्शन से, 13 पैसे आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से, 8 पैसे आते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी से और 3 पैसे आते हैं कस्टम ड्यूटी से। ये सब मिलाकर 53 पैसे सरकार लाई है टैक्स कलेक्शन से। इसके अलावा 36 पैसे सरकार लाती है बोरोइंग से, जैसे कहीं से लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, 5 पैसे सरकार लाती है डिसइन्वेस्टमेंट से, जैसे कोई बैंक बेच दिया, LIC का IPO निकाल दिया, और ऐसे ही 6 पैसे सरकार लाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो मान लो सरकार ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 रुपए का खर्चा किया, तो इसमें से 20 पैसे सरकार इंटरेस्ट पे करने में खर्च करती है, 13 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में, 16 पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देने में खर्च होते हैं, 10 पैसे फाइनेंस कमीशन के लिए, 9 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, 9 पैसे सब्सिडीज के लिए, 8 पैसे डिफेंस के लिए, 5 पैसे पेंशन के लिए और 10 पैसे बाकी बचे हुए दूसरे सभी एक्सपेंसेस के लिए।